दिखाई दे रहे हैं, ना, साफ आप, बता देना। बच्चों, कैसे हैं? आप सभी मैं आशा करती हूं, आप सब सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ पूरे जान के साथ पूरे एकदम जान लगा के आज जुड़ जाइए क्लास में आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है ऐसा क्या होने वाला है आज सेशन में जैसे कि अभी तक मैं आपकी सारी क्लासेस लेती हुई आई हूँ नीट के पर्पज से कि एनसीआरटी में से क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएगा उसी के साथ आज का ये सेशन शानदार दमदार जानदार सेशन सभी के लिए लेके आई हूं कि एनसीईआरटी की बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में से कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं क्योंकि पेपर आ गया है एक महीने बाद ही पेपर है तो जितना सटीक तैयारी होगी उतना ही भैया शानदार पेपर जाएगा और भी कई सारे चैप्टर हैं जिनको पढ़ना है आपने रिवाइज करना है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए चीजों को आसान बना रही हूं चीजों को बता रही हूं भैया क्वेश्चन यहीं से पूछा पूछेगा मतलब यहीं से पूछेगा ठीक है जो जो बोलती जाती हूँ उसको नोट करते जाइए उस पैराग्राफ कोर्स लाइन को और यहीं से क्वेश्चन के आएगा ये गारंटी मैं दे रही हूं हंड्रेड एंड टेन परसेंट ठीक है चलिए तो आप सभी आ जाइए उसके बाद शानदार तरीके से सेशन की शुरुआत कर दूंगी ठीक है आपका बायोटेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी हिंदी में मैंने पीडीएफ खोल रखी है तो चिंता मत करना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हुई चलूंगी बायलिंग मैंने आपको बोला इसकी परेशान आप मत होइएगा कि भैया हिंदी या इंग्लिश हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरीके से आपको मैं बताती हुई चलूंगी जैव प्रौद्योगिकी आपका ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट के पेपर के और NCRT में से 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 लाइन इसने इसने पहले अभी तक क्वेश्चन कितने पूछे हैं और आगे कितने पूछ, क्या पूछ सकता है ना बेटा तो जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी और जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर हैं आपके एक भैया प्रक्रम और आपका प्रोसेस वाला चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस भैया ये आपका पहला चैप्टर है और दूसरा इसमें दो चैप्टर है एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस दूसरा उसकी एप्लीकेशन एक है प्रिंसिपल सिद्धांत और उसका प्रक्रम एंड प्रोसेस और दूसरा है इसमें इसकी एप्लीकेशन इन दोनों चैप्टर को मिला के आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस चैप्टर दोनों चैप्टर में से बनेंगे वो चार क्वेश्चन मैक्सिमम आपके बायोटेक्नोलॉजी में से पूछे जाएंगे चार से पांच क्वेश्चन हो सकता है इस दोनों चैप्टर को मिला के ठीक है और चार से पांच क्वेश्चन और अगर हमें एग्जेक्टली exactly पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन पूछता है इस बायोटेक्नोलॉजी में से तो हम अपने पांच क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं तो 5 into 4 मतलब 20 मतलब 360 में से 20 क्वेश्चन हम uh, 20 मार्क्स हम कंप्लीट कर सकते हैं मैंने आपको एक और चैप्टर भैया दो चैप्टर में आपको अभी तक बचा बता चुकी हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जो दो चैप्टर है ये मैं आपको

आठ क्वेश्चन आते कितने सेवन एट तो एट इंटू फोर मतलब थर्टी टू तो थर्टी टू मार्क्स वहां से इससे भी ज्यादा भैया दोनों चैप्टर से मिला के सात आठ क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स में से आते हैं तो so, इन दोनों चैप्टर को मिला के देख लो भैया कितने आपके मार्क्स हम कवर कर चुके हैं अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा चीजों को तो शानदार तरीके से चीजें जाएंगी तो आ जाइए भैया अपने पहले पेज पे यहाँ पर हर्बर्ट बॉयर के बारे में दे रखा है नीट में नहीं पूछेगा आपसे भैया कहीं पर गलती से दे सकता है तो वो अलग चीज है बाकी आ जाइए इसके मेन पेज पे इसका जो फर्स्ट पेज है यहां पर भैया बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है और कुछ नहीं कर रखा तो ये डेफिनेशन आपको नहीं करनी है नहीं पूछेगा आपसे बायोटेक्नोलॉजी भैया क्या होता है इसमें ये एक बार आप पढ़ लेना समझ लेना कि भाई बायोटेक्नोलॉजी है क्या जरा मैं आपको समझा देती हूँ एक लाइन में बायो मतलब लिविंग टेक्नोलॉजी मतलब भैया डिवाइसेस और जो यंत्रों का प्रयोग करते हैं भैया है टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है कहने का मतलब मैंने ई e. कोलाई में मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक जीवित जीव है उसमें मैंने इंसुलिन की जीन बनाई किसका यूज करके मैंने भैया सीजर्स का उपयोग किया मॉलिकुलर सीजर्स का उपयोग करके उसको कट गया मैंने पीसीआर का यूज किया मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया उस फ्रेगमेंट को उस टुकड़े को अलग करने के लिए फिर इसका नंबर बढ़ाने के लिए इनक्रीज करने के लिए मैंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया पॉलीमरेज आपकी श्रृंखला अभिक्रिया भी बोला जाता है हिंदी में तो जब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं तब इसको बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है सिंपल चीज है अब बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी में हम एक्चुअली में बना कह रहे हैं हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि भैया जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्या मिले फ़ायदा मिले हम ऐसी चीज़ बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्या हो फायदा हो यूज में आए हमारे तो ऐसा हम कुछ ऐसी वेराइटी बनाने वाले हैं जिसका उपयोग हम कर सके जिसकी वैल्यू वैल्यू ज़्यादा हो जिसमें विविधता वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जिससे कमर्श कमर्शियली हम जिसको यूज कर सकते हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा अब इस पेज पे ये दे रखा है इसका यूज नहीं है अब आ जाइए यहां पर यहां से जो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा जो एकदम नीचे बनेगा ध्यान रखना ऊपर आपको बता दूंगी क्या क्या लिखा है पहले सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए कि क्या पूछेगा सबसे पहले इसमें से नोट करिए यहां पर आपका लिखा हुआ है देखिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डी एन ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट भैया रिकम्बाइन दो चीज़ों को कंबाइन किया है तो रिकॉम्बिनेंट बोला जाता है तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाजमे चलिए यहां पर आया प्लाज्मिड का नाम आपसे पहला क्वेश्चन नीट में ये बनेगा कि भैया प्लाज्मिड होते क्या है वट इज प्लाज्मिड ठीक है प्लाज्मिड क्या है ठीक है प्लाज्मिड लिख देती यहां पर प्लाज्मिड क्या है ये पहला क्वेश्चन बनेगा और इसी के बाद ब्रैकेट में इसका आंसर दे रखा है इट इज ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, भैया बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है खुद का क्रोमोजोम है इसके अलावा एक और डीएनए है यहाँ पर एक और डीएनए है जो क्रोमोजोम के बाहर है अलग से है इस डीएनए को जो कि सर्कुलर है ध्यान रखना, एक्स्ट्रा डीएनए दिस इज डीएनए ध्यान रखना और ये आपका सर्कुलर डीएनए है और ये अपने आप की क्या कर सकता है अपने आप को रेप्लीकेट कर सकता है और अपने आप की प्रतिकृति कर सकता है ध्यान रखना क्या कर सकता है प्रतिकृति और रेप्लीकेट कर सकता है इस बात को ध्यान रखना तो आपके प्लाज्मिड होते हैं ऑटोनोमसली जो खुद अपने आप रेप्लीकेट कर सकते हैं ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए याद रखना तो चलिए क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए और भैया ये कहां से लिया गया और सेलिमोली टाइफ मेरे में और एक और चीज़ है यहां पर सबसे पहले एक लाइन लिखी गई है कि भैया ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है तो ध्यान रखना आपके जो प्लाज्मेड होते हैं इनमें एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का होता है ये एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है प्रतिजैविक रेजिस्टेंस जीन इस सीक्वेंस में कौन सी जीन होगी आपकी एंट

एंड हर्बेट बोयर एक्म्प्लिश दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाजमेट विच वाज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन द कटिंग ऑफ डी एट स्पेसिफिक लोकेशन बीकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एनजाइम आगे लिखा होगा बंधक एनजाइम ठीक है बेटा अब इसने लिखा क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला गया 1970 को सुन लो बड़े ध्यान से 1972 सेवनटी टू में स्टेनली को हारबिट बॉयर ने क्या किया 1972 में इन्होंने प्लाज्मेड को एक कट लगा दिया भैया एक जगह से इसने काट दिया मतलब मान लीजिए यहां से काट दिया और ये जो सीक्वेंस था यहाँ पर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो सभी को पता है कि तो भैया एंटीबायोटिक अगर हम इस बैक्टीरिया में डालें तो ये जीन उसके खिलाफ काम कर सकती है एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होगा ये मतलब है ठीक तो है बेटा तो भैया इसकी डिस्कवरी की भैया कि हम इसको काट भी सकते हैं इसमें से डी बाहर निकाल सकते हैं और साथ में हमें हमारा जो मनपसंद डीएनए है जो हम चाहते हैं इसमें ऐड करना वो भी ऐड कर सकते हैं जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं अब जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम इसकी क्लोनिंग करें क्लोनिंग मतलब कि हमें एक डीएनए तो चाहिए नहीं हमें ढेरों उस डीएनए की कॉपीज चाहिए तो क्लोनिंग मतलब होता है क्लोन बनाना क्लोन मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर जीव होते हैं वो होते हैं क्लोन तो हम चाहते हैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने इस प्लाज्मिड में डाला है उसके बहुत सारी क्या बन जाए कॉपीज बन जाए तो दूसरा स्टेप होता है जीन क्लोनिंग क्लोनिंग का जीन क्लोनिंग के बाद होता है आपकी क्लोनिंग कर दी उसके बाद आपने होस्ट सेल में डालते हो जैसे कि आपने इंसुलिन को ईकोलाई e. में डाला अब इकोलाई e. में इंसुलिन बना फिर इंसुलिन को बाहर निकाला तो ये सब आपके स्टेप होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में और प्लाज्मिड आपका पहला क्वेश्चन यहां पर बन गया नेक्स्ट पेज पे आ जाइए जहां पर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में ये पेज नंबर है वन यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के बारे में बोला है कि भैया रिस्ट्रिक्शन जो एंडो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी 1963 में हुई आपको ध्यान रखना ईयर नहीं पूछेगा नीट आपसे पूछेगा ये डिस्कवरी हुई किसमें तो बैक्टीरियोफाज देखिए जब ये बैक्टीरियोफाज जिसको हिंदी में जीवाणु भोजी बोला जाता है जब ये जीवाणु भोजी आपके ई e. कोलाई को अटैक किया तो आपके ई e. कोलाई ने क्या किया इन जीवाणु भोजी का डीएनए जो था उसको कट कर दिया पीसेस में फ्रैगमेंट में टुकड़ों में काट दिया किसके डीएनए को आपके बैक्टीरियोफाज के डीएनए को किसने काट दिया भैया आपके इस या कोलाई के भैया इसके अंदर भैया कुछ एंजाइम थे जिसको बंधक एंजाइम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्होंने इसके डीएनए को कट कर दिया फ्रेगमेंट में तोड़ दिया तो यहां से आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई कि आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पे क्या एक स्पेसिफिक साइट पे क्या लगाते हैं कट लगाते हैं एक स्पेसिफिक साइट पे कट लगाते हैं जिसको रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोला जाता है बंधक स्थल भी बोला जाता है बंधक स्थल और रिस्ट्रिक्शन साइट बोला जाता है और स्थल बोला जाता है ध्यान रखना कौन काटते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है इसको आप स्किप कर सकते हो बस इस पैराग्राफ को पढ़ लेना यहां से क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट आ जाइए इस पेज पे ऊपर दिया हुए कुछ चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में भी पूछ चुका है कि आपके कौन से को कट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन से सीक्वेंस को कट करते हैं तो उन सीक्वेंस को बोला जाता है पेलिन सीक्वेंस क्या बोला जाता है पेलिन सीक्वेंस हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख लेना पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये पेलिड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिसको चाहे हम आगे से पढ़ें या फिर पीछे से पढ़ें चाहे मैं इसको जी ए ए टी टी सी लिखूँ और इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा जी टी टी और यहाँ पर ए ए और जी चाहे मैं इसको इस डायरेक्शन में पढूं चाहे मैं इसको इस डायरेक्शन में पढूं आपका जो सीक्वेंस होगा वो सेम होगा ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है और आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के किसी एक स्पेसिफिक साइट पे रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट लगाते हैं ध्यान रखना यहां पर आपको दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दे रखे हैं एक एग्जोन्यूक्लियस दे रखा है और एक एंडोन्यूक्लियस दे रखा है यहां पर नोट करिएगा ठीक है जी बेटा स्टडी की बात करो चलिए डॉक्टर प्रिंस गुप्ता आपको कुछ मेरे से पूछना हो तो लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा एक्जो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस दो प्रकार के एंजाइम होते हैं आगे इसकी डेफिनेशन दी और ये नीट में पूछा जाता है तो ढंग से नोट कर लो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन नंबर टू पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस का थर्ड क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो एक्जो न्यूक्लियस होते हैं वो रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं निकालते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ डी बल्कि जो आपके एंडो न्यूक्लियस हैं वो कट लगाते हैं एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मतलब मान लीजिए अगर ये सीक्वेंस है तो आपके जो एक्जो एंजाइम होते हैं बंधक एंजाइम वो एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं लेकिन जो आपके एंडो न्यूक्लियस होते हैं वो बीच में कट लगाते हैं ध्यान रखना सेंटर में कट लगा के इनको साइड कर देते हैं सेंटर में लगाते हैं विद इन डीएनए डीएनए के बीच में कट लगाते हैं और जो एक्सो न्यूक्लियस होते हैं वो end पे कट लगा के nucleotide को हटा देते हैं याद रखिएगा, ठीक है बेटा? अब आ जाइए पे इस पेज पे यहां से बनता है क्वेश्चन आपका शानदार दमदार जानदार क्वेश्चन बनता है सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस है किस बेसिस पे आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिवाइस दे रखा है यहाँ पर ये वेल्स दे रखे हैं जो आपको यहाँ पर गड्ढा गड्ढा दिखाई दे रहा है इस गड्ढे में उसने क्या दिलाया है हमारे डीएनए का सॉल्यूशन डाला है उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास किए क्या पास किए इलेक्ट्रिसिटी पास किए ध्यान रखना जब इसने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास की है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जब इसने पास की है तो ये पॉजिटिव होगा होगा नेगेटिव ठीक है ऐसे ही होता है ना तो भैया यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो सेपरेट हो गए तो आपसे पूछता है क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर जो नंबर बनेगा पांचवा आपका कि भैया ठीक है क्वेश्चन नंबर चौथा बनेगा ना क्वेश्चन नंबर चौथा बनेगा हाँ क्वेश्चन नंबर चौथा बनेगा बेटा पांचवा नहीं जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर बनेगा वो ये बनेगा कि आपका जो इलेक्ट्रोफोरस टेक्निक है जो आपके इलेक्ट्रोफोरिस टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पे और किस सिद्धांत पे बेस है किस सिद्धांत पे बेस है तो लिखना ये आपके जो डीएनए का जो साइज है डीएनए के फ्रेगमेंट के टुकड़ों का जो साइज है उस प्रिंसिपल पे बेस है आपकी इलेक्ट्रोफोरिस किसके ऊपर डीएनए के साइज पे और डीएनए के चार्ज पे दोनों लिख लो डीएनए के साइज पे और डीएनए के चार्ज पे बेस है आपका इलेक्ट्रोफोर्स भैया डीएनए का चार्ज नेगेटिव ही होता है तो हमेशा भैया ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ध्यान रखना मतलब यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहां पर पॉजिटिव होगा तो जब नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भैया आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है भैया चार नेगेटिव चार्ज होते हैं आपके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना जो न्यूक्लियोटाइड एड होता है ध्यान रखना चार नेगेटिव चार्ज होते हैं आपके फॉस्फेट के ऊपर ट्राई वाले में चार नेगेटिव चार्ज तो आपके डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है तो भैया अब छोटा तो होगा वो तो आगे चला जाएगा जिसका बड़ा होगा जो भारी होगा वो पीछे रह जाएगा इस बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट से इलेक्ट्रोफोर आपसे पूछा जाता है जब इनका सेपरेशन हो जाता है तब इनको भैया निकाला भी जाता है फ्रेगमेंट को निकाला

डीएनए कंपाउंड नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड आप इस सेपरेटेड फ्रेगमेंट को तभी देख सकते हो जब आप इसको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे और स्टेनिंग के बाद इसमें यूवी रेज डालोगे ठीक है सबसे पहले इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाएगा उसके बाद एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन ध्यान रखना ठीक आपसे क्वेश्चन ये पूछा था नीट के प्रीवियस पेपर में कि किस रेस से एक्सपोज किया जाता है यूवी रेस से एक्सरे रेस से गावा रेस से तो भैया यूवी रेस का उपयोग किया जाता है और इथीडियम ब्रोमाइड से साथ में कौन से रंग के भैया जब आप इसको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देते हो तो आपको रंग भी दिखाई देता है तो कौन से रंग में आपकी ये फ्रेगमेंट दिखाई देते हैं जो कि आपका फ्रेगमेंट होता है तो ध्यान रखना ऑरेंज कलर में दिखाई देते हैं लिखा हुआ है ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनएियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट ठीक है द सेपरेटेड ऑफ आर कट आउट फ्रॉम द जेल जिस मीडियम का यहां पर यूज करते हैं वो होती है एग्रो जेल ध्यान रखना कौन सा मीडियम होता है एग्रोस जेल जब एग्रोस जेल से इन फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को इल्यूजन बोला जाता है ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आपके नीट के प्रीवियस ईयर का कि भैया सेपरेटेड फ्रेगमेंट ये जो फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए इसको किस प्रोसेस से भैया जिस प्रोसेस से इसको बाहर निकाला जाता है भैया आप तो इनको रंग भी कर दिया अब आप तो आपको तो दिखाई भी दे रहे हैं अब इन फ्रेगमेंट को बाहर निकालिए जब आप इस फ्रेगमेंट को बाहर निकालते हो तो इस प्रक्रिया को इल्यूजन बोला जाता है दिस स्टेप इज नोन एज ध्यान रखना द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टेड री कॉम्बिनेट डीएनए आर यूज इन कंस्ट्रक्टेड रिकॉम्बिनेंट री कॉम्बिनेट डीएनए बाई ज्वाइनिंग वेक्टर, उसके बाद अब इसको भैया इस भैया आपने जो फ्रेगमेंट सेपरेट की हैं, अब आप इसको अपने वेक्टर के साथ जोड़ सकते हो अब ये वेक्टर क्या होते हैं कौन अब ये नहीं पूछेगा कि आपसे वेक्टर होते हैं क्या इनका काम क्या होता है आपसे ये पूछेगा कि ये जो संवाहक होते हैं ये जो वेक्टर होते हैं वाहक जिसको बोलते हैं संवाहक भी बोलते हैं ये वेक्टर आपके पादप में कौन से होते हैं आपके जंतु में कौन से वेक्टर का यूज किया जाता है ठीक है इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर नोट करना है नेक्स्ट पेज में इसका आंसर दे रखा है ठीक है यहां पर तो आपको कुछ चीजें दे रखे जिसको आपको पढ़ना ही है ठीक है अब समझ लो इस पेज में से क्या क्वेश्चन पूछता है 199 पेज में से क्या क्वेश्चन पूछता है जरा ऊपर से चलेंगे नीचे तक सबसे पहले आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन दे रखा है दो दो चीजें इनके बारे में नोट करो जहां से पूछा जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का, का काम क्या है यह पूछता है क्वेश्चन आपके पहला पैराग्राफ ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का फंक्शन क्या है यह पूछता है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ठीक है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रतिकृति का स्थल वो जगह है जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होगी जहां से रेप्लीकेशन शुरू होगा वो आपका ओरिजिन ऑफ़ होता है साथ में डीएनए की कॉपीज़ बनेंगी, भैया दो बनेंगी, चार बनेंगी, दस बनेंगी, बारह बनेंगी। ये किसके ऊपर निर्भर करता है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन तो दो चीज ये काम करती है एक तो कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है डीएनए की कॉपी नंबर दूसरा आपके यहां से रेप्लीकेशन शुरू होता है रेप्लीकेशन यहां से स्टार्ट होता है ये तो ये तो दो काम होते हैं आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं जो आपके एंटीबायोटिक जो जीन्स होती हैं एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन होती है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती यही आपकी सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर मतलब जो सेलेक्ट करने में मदद करते हैं कि भैया जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको जब आपने होस्ट सेल में डाला मान लीजिए मैंने अब इसको समझना है इसको एक ही बात में समझ जाइएगा मान लीजिए कि भैया मेरे को इंसुलिन की जीन बनानी है तो मैंने क्या किया एक स्वस्थ व्यक्ति में से इंसुलिन की जीन निकाल ली और इस इंसुलिन जीन को पहले सेपरेट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसके बाद इसको एक वेक्टर में इंसर्ट कर दिया अब ये जो वेक्टर मैंने बनाया उसको होस्ट सेल में डाल दिया अब होस्ट कौन है जिसके अंदर भैया बहुत सारी इंसुलिन की जीन बनेगी क्योंकि एक इंसुलिन से तो काम होगा नहीं हमारा क्योंकि ढेर सारे जीव हैं जिनको डायबिटीज होती है कई करोड़ों लोग हैं जिनको डायबिटीज है हर किसी को भैया इंसुलिन की प्रोटीन चाहिए तो हमें ज्यादा मात्रा में इंसुलिन चाहिए तो भैया हमें इसकी क्लोनिंग करवानी पड़ेगी जिसके लिए किसी होस्ट में डालना पड़ेगा ये होस्ट 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 बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं हैं क्योंकि 20 मिनट में में ही रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया किया एक होस्ट में डाल दिया अब भैया रूपांतरित होगा 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 या या नहीं या नहीं इसको चेक किया कैसे जा सकता है आपने जो री किसे चेक करोगे सिलेक्टीबल मार्कर्स की मदद से चेक करोगे ध्यान रखना ये काम होता है आपके सिलेक्टीबल मार्कर का तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है यहां पर पीवीआर 320 टी का पीवीआर 322 का आपको प्लाज्मिड दे रखा है इसको भैया आपसे पूछता है तो आपको इसको ढंग से देखना है इस डायग्राम को इस डायग्राम को बड़े ढंग से देख के जाना नीट के पहले से अभी लर्न कर लेना इसमें भैया आपके कौन कौन से रेजिस्टेंस है और एक वो जीन है जो एम्पी एं एंटीबायोटिक और प्रतिजैविक के खिलाफ क्या है रेजिस्टेंस है भैया ये प्रेजेंस है तो इसके खिलाफ ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के खिलाफ ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकते ये मतलब है ध्यान रखना ठीक है बेटा तो उसके बाद आपको दे रखा है क्लोनिंग साइट इसी के नीचे भैया आपको दे रखा है क्लोनिंग साइट ध्यान रखिएगा क्लोनिंग साइट को रिकोगशन साइट भी कहा जाता है और इसको रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहा जाता है क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहां पर आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके बंधक बंधक एंजाइम कट लगाते हैं क्या लगाते हैं कट लगाते हैं आपको करना पड़ेगा कमेंट अगर आपको ये सेशन डेली चाहिए चाहिए अगर आपको आपको ऐसी क्लासेस जिसमें मैं स्पेसिफिक बता सकूं कि नीट में क्या क्वेश्चन पूछे हैं तो आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर तब भी आपको कमेंट करना पड़ेगा जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसके हिसाब से मैं आगे की रणनीति तय करूंगी तो ठीक है वैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नीट के लिए एक एक चैप्टर की एनसीआरटी रटवा दूंगी एक एक लाइन कहाँ से क्वेश्चन आता है उसके लिए आपका सपोर्ट होना जरूरी है ठीक है आप होना यहां पर जरूरी हो ठीक है बेटा चलिए ठीक है जी ओके okay, अथरव यदुवंशी ओके okay, बेटा चलिए अब आ जाइए आ जाइए इस पैराग्राफ को आप जरूर पढ़ लेना ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं भैया इसको पढ़ लेना ये इंपॉर्टेंट है एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा वरना थ्योरी मैंने कराई है इसकी देख लीजिएगा जाके थ्योरी बाकी आ जाइए नेक्स्ट पेज पे अब यहां पर आता है मेन क्वेश्चन की प्लांट में कौन सा वेक्टर और एनिमल्स आ, एनिमल्स और आ, प्लांट में कौन से वेक्टर का यूज किया जाता है जिसमें हम अपनी जीन का उपयोग करते हैं और जिसको बोला जाता है संवाहक और इंग्लिश में बोला जाता है वैक्टर वो वैक्टर जो प्लांट में जो वैक्टर होता है उसका नाम है बेटा ध्यान रखना जरा ध्यान से सुन लीजिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस आपका एक बैक्टीरिया है जो प्लांट में ट्यूमर करता है एग्रो बैक्टीरियम सुन लेना तो, वैसे तो काफी क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको एग्रो बैक्टीरियम एक जीवाणु है एक बैक्टीरिया है जो पादप में जो प्लांट में क्या करते हैं ट्यूमर करते हैं व्हाट इज ट्यूमर ट्यूमर मतलब होता है भैया जैसे कैंसर होता है कैंसर की पहली स्टेज है ट्यूमर ट्यूमर मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल बहुत ज्यादा भैया आप बिना नियंत्रित के कोशिका विभाजन करती है और कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती है जिसको ट्यूमर बोला जाता है जब ये ट्यूमर ये सेल्स फैलने लगती है शरीर में तो इसको कैंसर बोला जाता है लेकिन जब तक तो एक स्थान पर है तो इसको ट्यूमर बोला जाता है तो आपका भैया प्लांट में ट्यूमर करती है ध्यान रखना आपका एग्रोबैक्टीरियम एग्रो इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाजमेड होता है जिस प्लाज्मेड का नाम है टी आई प्लाज्मेड क्यों नाम है क्योंकि ये जो प्लाज्मेड होता है वो ट्यूमर करता है ध्यान रखना ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेड है इसके पास एक सीक्वेंस होता है जिसका नाम होता है टी डी एन ए ये जो इसका टी डी एन ए सीक्वेंस है ये ऑटोमेटिकली उत प्लांट की सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके उसके डीएनए से ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या करता है ऑटोमेटिकली भैया इंसर्ट हो जाता है ये प्रॉपर्टी होती है इस टीआई आई प्लाज्मेट के पास कि इसका डी डी का जो फ्रेगमेंट है ये अपने डीएनए से अलग हो जाएगा और प्लांट के डीएनए में जाके जुड़ जाएगा ये प्रॉपर्टी होती है इसीलिए हम टीआई आई प्लाज्मेट को आपके वेक्टर के रूप में यूज करते हैं प्लांट के अगर आपसे पूछे एनिमल में अगर आपसे पूछे एनिमल में कौन से वेक्टर का उपयोग किया जाता है तो भैया जो आपके एनिमल होते हैं उनमें यूज किया जाता है ध्यान रखना रेट्रो वायरस कौन से वायरस रेट्रो वायरस रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जो डीएनए जो आरएनए से डीएनए बना लेते हैं जो आरएनए से रिवर्स हो जाते हैं डीएनए वैसे डीएनए से आरएनए बनता है लेकिन की मदद से ध्यान रखना है, जो मैंने चीज आपको यहां पर समझाई है ठीक है और रेट्रो का नाम ध्यान रखना आप इस पेज को एक बार पढ़ सकते हैं यहां पर बहुत ही बेहतरीन से एक चीज दे रखे जो आप क्वेश्चन के रूप में नोट करिएगा ये मैं आपको लिखवा देती हूँ कि भैया नीट पूछ सकता है तो so, यहाँ पर देखिए अगर आपको ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को ध्यान रखना अगर इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर This is not only the way to introduce alien DNA into the host cell in a method known as micro injection. एक method होता है माइक्रो इंजेक्शन जिसमें इस रिकॉम्बिनेट वेक्टर को हम इंजेक्ट करते हैं किसमें होस्ट में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन लेते हैं और इसको भैया होस्ट में डालते हैं भैया प्लांट भी हो सकता है एनिमल भी भी हो सकते है, भी हो सकता सकता है है बैक्टीरिया तो भैया मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल अब आपको क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से वो देखिए आपके जो एनिमल सेल होते हैं आपके एनिमल सेल में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डालने के लिए आपके एनिमल सेल में अगर वो भैया अगर वो किसी और किसी जंतु की कोशिका है अगर इसमें हमने वेक्टर डालना है तो उसके लिए हम माइक्रो इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं अगर किसी प्लांट सेल में अगर किसी प्लांट सेल में हमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डालना है तो उसके लिए हम बायोलॉस्टिक और जीन गन का प्रयोग करते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये पूछेगा आपसे कि भैया अगर मेरे को रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अगर मेरे को रिकॉम्बिनेंट वेक्टर किस में डालना है अगर मेरे को रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्लांट में डालना है तो मैं माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करूंगी अगर मेरे को रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्लांट में डालना है तो मैं किसका उपयोग करूंगी जीन गन और बायोलॉस्टिक का इस बात को ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहां पर बनेगा उसके बाद एक बार इसको रीड कर लेना क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है यहां पर आता है मेन क्वेश्चन आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पीसीआर में से क्या पूछता है नोट करो पीसीआर को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी बोला जाता है इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले आप इसके स्टेप जरूर कर दे याद कर लो कि भैया सबसे पहले भैया इसको हीट किया जाता है 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है उसके बाद टेम्परेचर को भैया जब ये सेपरेट हो जाते हैं डीएनए उसके टेम्परेचर को भैया कम किया जाता है 60 टू 65 डिग्री सेल्सियस कम किया जाता है और यहाँ पर एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज़ आपका ये पूछता है कि भैया जो डीएनए पॉलीमरेज जिससे डीएनए रेप्लिकेट करता है आपके भैया नॉर्मल सेल में उसी प्रकार पीसीआर में हम किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं तो उस एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज क्योंकि इस एंजाइम को थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से लिया गया है इसलिए इसका नाम पड़ गया है टैक पॉलीमरेज ध्यान रखना ये पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया से इस एंजाइम को लिया गया है और इस एंजाइम का नाम क्या है ये दो क्वेश्चन बनते हैं साथ में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें होता क्या है इसमें हम अपने डीएनए की मिलियन और बिलियन ऑफ कॉपी बनाते हैं ध्यान रखना पीसीआर का यूज क्यों होता है जब हमें अपने डीएनए को बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें डीएनए चाहिए हमें इंसुलिन की जीन भैया ज्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि बहुत सारे जीव हैं जिनको डायबिटीज है जिनको इंसुलिन की प्रोटीन चाहिए तो हम डीएनए को एक मशीन के द्वारा क्या करवा लेंगे वैसे तो बैक्टीरिया में भी करवा सकते हैं पर वो एक नेचुरल मेथड है आर्टिफिशियली हम पीसीआर के यूज करके अपने डीएनए को रेप्लीकेट करवा सकते हैं ध्यान रखना यहां पर लिखा हुआ है वन बिलियन कॉपी बनेगी साइकिल के बाद वन बिलियन टाइम्स आपके वन बिलियन ठीक है वन बिलियन टाइम आपका ये एम्पलीफाई होता है और इतनी कॉपीज बनती है और इसके स्टेप ध्यान कर लेना है डी नेचुरेशन एनीलिंग और एक्सटेंशन ये इसके स्टेप हैं। उसके बाद आ जाइए इसके लास्ट पेज पे जो ये वाला पेज है जिसमें यहाँ पर आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग दिख रही है भैया इसका मतलब क्या है इस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का ठीक है जरा इसका मतलब एक लाइन में समझ लीजिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का ये मतलब है कि भैया आपने रिकॉम्बिनेंट वैक्टर भी बना लिया होस्ट में भी इंसर्ट कर दिया लेकिन जो आपने जीन बन रही है वो बहुत ही कम अमाउंट में बन रही है सिर्फ 10-15 लोग हैं जिसको आप ये इंसुलिन की जीन दे सकते हैं इंसुलिन की प्रोटीन दे सकते हमें चाहिए कि कमर्शियल लेवल पे बने हमें चाहिए इंडस्ट्रियल लेवल पे बने उसके लिए हम इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज करते हैं आपका जो ये वाला डायग्राम है इसमें आपको सिंपल स्टेड टैंक बायो रिएक्टर दिखा रखा है और ये वाला टैंक में स्पार्ज स्टेड बायो रिएक्टर दिखा रहा है इसको एक बार रीड कर लेना यहाँ से कोई इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है नीट में लेकिन बाई चांस एक क्वेश्चन बन गया तो यही पूछेगा भैया इस टैंक के बारे में इसमें क्या होता है? आप भैया एक डालते हो और वो रेप्लिकेट करते है और बहुत पैक करते हैं ये, भी प्रोसेसिंग में आता है। ये बायो रिएक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं जिससे हम ह्यूज हुँ, अमाउंट में अपनी वो रिकॉम्बिनेंट जीन को बना सकते हैं यहाँ पर आपका खत्म हो गया बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर अब बचा है सिर्फ एप्लीकेशन एप्लीकेशन वाला सेकंड पार्ट में करेंगे आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा आपको आगे चाहिए इसका पार्ट ये नहीं चाहिए या फिर आप सही हो भैया जितना पढ़ रहे हो उतना ही ठीक है तो भैया एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए एक्स्ट्रा कमेंट भी थोड़ा सा चाहिए जितना आप कमेंट करोगे जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा उसके हिसाब से हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे वैसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में इस वक्त आने के लिए जुड़ने के लिए और अपना फायदा है आपका यहाँ पर नीट की जो तैयारी करें उनका तो बेहतरीन फायदा है अगर आपने उन्होंने उन्होंने ये सेशन देख लिया तो ठीक है बेटा चलिए इसी के साथ मैं क्लास को खत्म करती हूँ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथ में अगर आपको सेशन पसंद आता है तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा और सबके साथ सेशन को जरूर जरूर शेयर करना जो नीट की तैयारी क्योंकि भैया विद्या बांटने से बढ़ती है तो तो ज्यादा बच्चों को दोगे जो नीट की तैयारी उनका तो उनका फायदा हो जाएगा भैया दो चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएंगे तीन चार चैप्टर जो नीट के एनसीआरटी बत, के बता दिए तो भैया उनको ज्यादा रिविजन करने की जरूरत नहीं है चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट जितना मैंने बोला है उतना वो कर लेंगे तो बेहतरीन रहेगा चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जुड़ने के लिए विशेष यादव बिक्की कुमार पूजा पूजा फाहद खान शिवानी प्रतीक कौशल यादव मुनीता मीना आदित्य शर्मा आरती मित्रा सबा फिरदोज नरेंद्र कुमार प्रतिभा शर्मा ठीक है और सभी बच्चे और सभी बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं बिक्की कुमार आरती जी बेटा सभी का नाम ले दिया भैया बहुत शानदार ठीक है इसी के साथ सेशन को समाप्त करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत